आजमपुर बाईपास पर, तो इतने बॉडियां पिछकी पई थी, तो ट्रैफिक काफ़ी निकल चुका है जरा, उसका रात तक बारी तुम से नहीं पता लगता। टिप्परा नाल कोई हादसा होया जां कोई होर गड्डी? नहीं, इधर से आप नहीं कह सकते, तुम्हें वैसे ही लगता है कि किसी बॉडी को मर गया सीगा, मरन तो बाद किसी सटे इतनी बॉडी या फिर मार के रखे गए हैं कुछ लग रहा हले, क्योंकि जो बंदे का एक्सीडेंट होंगे तो इस तरीके ना बॉडी मतलब इदा नहीं पी रही, पता लगता आवाज़ भी आती कोई या फिर कोई तड़फद बंदा आजमपुर को हादसा होया बड़ा ही मनभागा है, क्योंकि उस इंसान की जिहड़ी हालत है किसी जानवर तो भी बदतर थी। जो किसी गड्डी के थले एक इंसान आके खत्म होंगे तो पिछों गड्डी आदि उन्होंने फर्ज बनता इंसानियत तौर पर भी पुलिस को इनफॉर्मेशन कर गड्डी खड़ा लैन, वो उपर तो जी चा 200-400 गड्डी लंघ के जानी एक जी खत्म कर देनी, जो कही जिन्होंने कट्ठा करना कहें वो चीज़ होनी, यह बड़ी मंदभागी है। इलाके हम कट्ठा होना चाहिए इस मसले से, जोड़े टिप्पर है ये बंद किए जा, जी नजायज माइनिंग उत्तर कल दो मुंडे मरे, ये इलाके कट्ठा होना चाहिए, पूरे पिंड के लोग कट्ठे हो, कोई हल सोचिए ना कि किसी जी उपर प्रशासनिक अधिकारी जा कि लीडर के नाल जा कोई भी गलबात करके असी इसका फौरन तौर पर अपना हल करिए, अपने लीडर दसीए गलों का। टिप्परों भी कसूरवार मानते जी? हाँ, रुजगार की तो खातर सारे टिप्पर चलाने लोगों ने, हरेक के पेट लग्या वा रुजगार है, पर भी हल है, रोपड़ तो जा आनंदपुर साहब तो जा सकते, टिप्पर का भी कोई ऐडा है नहीं, छोटिया गड्डिया भी लंघ दी थले भी आके डैथ हो सकती।